हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नूपुर्स किचन। मेरी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये मेरी फेवरेट कुकीज़ की रेसिपी है, जिंजर कुकीज़। मैं पहले सोच रही थी कि मैं ये वाली कुकीज़ आपके साथ थोड़े विंटर के टाइम पे शेयर करूँगी, क्रिसमस के आसपास। लेकिन आजकल का सिनेरियो देखते हुए, जब मार्केट में ड्राई जिंजर पाउडर लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सब्जी बनाने में भी, काढ़ा बनाने में भी, और भी कई जगह, तो मैंने सोचा मैं इसी समय आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो इसमें मैं सोल्ट के साथ, सोल्ट मतलब कि जो ड्राई जिंजर पाउडर आता है मार्केट में, उसके साथ कुछ और स्पाइसेस को मिलाने वाली हूँ और उसको मैं कुकीज़ बनाने वाली हूँ। ये कुकीज़ मैं एगलेस बनाऊँगी, बट अगर आप एग खाते हैं तो मैं आपको वो भी बता दूँगी कि आप किस स्टेज पे एग यूज़ कर सकते हैं। बट आज हम जो बेक करने वाले हैं वो एगलेस जिंजर कुकीज़ होने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्या इसकी रेसिपी है। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे राइट हैंड साइड में एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो ये जिंजर कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप आटा लिया है, होल व्हीट फ्लार, और आधा कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लार भी बोलते हैं। दोनों मिला के एक कप है। आप अगर चाहें तो इसकी जगह पूरा आटा भी यूज़ कर सकते हैं एक कप, या फिर एक कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर और जितने अलग अलग तरीके के फ्लावर्स मार्केट में अवेलेबल हैं मिलेट्स में, जैसे रागी है, बाजरा है, आप वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद हमें जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 चम्मच सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप कुकिंग बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें एक चुटकी नमक भी ऐड कर लीजिए, ये सॉल्टेड बटर है। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच ब्राउन शुगर लिया है, 4 स्पून ब्राउन शुगर के। आप इसमें रिफाइंड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे पाउडर फॉर्म में यूज़ करना होगा। आप इसमें कास्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ किया है। फिर मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जैगरी पाउडर, मतलब कि जो गुड़ आता है, वो मैंने यहाँ पे लिया है, ये इसका कंपल्सरी इंग्रेडिएंट है। चीनी के साथ, शक्कर के साथ हम इसमें गुड़ भी ज़रूर यूज़ करेंगे। फिर बेक करने के लिए मुझे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर चाहिए, 1 चुटकी बेकिंग सोडा चाहिए। स्पाइसेस में यहाँ पे सोल्ट है जो कि 1 टेबल स्पून है, 2 लौंग का पाउडर है, मैंने उसको अच्छे से क्रश कर लिया है, ये 1/4 टेबल स्पून दालचीनी का पाउडर है, थोड़ा सा जायफल है, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगी, और इन सबको बाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे दूध लिया है। अब चलिए देखते हैं कैसे बनाई जाती है ये जिंजर कुकीज। यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे बटर लिया है। अब मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और जैगरी पाउडर या फिर जो गुड़ का पाउडर है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको विस्क करेंगे। मैं इसको विस्क से ही विस्क कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी बनाते हैं तो फिर आप मशीन वाला विस्क भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमने गुड़ डाला है, आप इसको एश्योर करिए कि उसके जो पीसेस हैं वो अच्छे से क्रश हो जाएं और ये पूरा का पूरा एक स्मूथ बैटर बन जाए। इसमें कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये कितना फ्लफी हो गया है, देखिए। इसका मतलब कि ये अच्छे से बीट हो चुका है।
अब हम इसमें स्पाइसेस अपने ऐड करेंगे। ये जो मैंने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है या फिर जो सौंठ है, सिनेमन पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर, लौंग का पाउडर और जायफल हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा ग्रेट करके डालेंगे। आप देख रहे हैं मैं इसमें ये वाला पोर्शन नहीं यूज कर रही हूँ, इस वाले पोर्शन से इसको मैं ग्रेट करने वाली हूँ और बहुत थोड़ा सा हमें ग्रेट करना है क्योंकि हम कोई करी नहीं बना रहे हैं, कुकीज बना रहे हैं। तो इसका बस थोड़ा सा ही करना है, लेकिन इससे जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम लोग धीरे धीरे अपना जो फ्लावर है वो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। दोनों तरह का फ्लावर हम इसमें धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। मैंने आधा फ्लावर डाल दिया। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड कर रही हूँ और बाकी का फ्लावर भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप अंडा प्रेफर करते हैं, अगर आप एग खाते हैं, तो जब हमने बटर और शुगर को विस्क किया उसके बाद आप उसमें एग भी डाल सकते हैं। अगर आप एग डालते हैं तो फिर आपको लास्ट में मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंड करने के लिए। अगर पड़े तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, बट आइडियली आपको नहीं पड़ेगी। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स सब मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको अपना हाथ यूज करके एक अच्छे से डो की तरह बनाऊंगी, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क यूज करूंगी जितना जरूरी है। देख रहे हैं कैसा क्रम्बल जैसा प्रिपेयर हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। मैंने आपको मिल्क की क्वांटिटी इसीलिए नहीं बताई है क्योंकि हमें डो का टेक्सचर मैं आपको बता दूंगी, मिल्क कितना डालना है वो आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं उसका। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा हम पहले मिल्क डालेंगे। मिल्क भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है। अभी इसका मिक्सचर कुछ ऐसा है, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर रही हूं। अब आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम रेडी है। इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा गूंधना नहीं है, नहीं तो जब आपको लगे कि आपका डो थोड़ा सा गीला हुआ है तो आप इसको एक क्लीन फिल्म में रैप करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आप उसकी कुकीज का शेप बना सकते हैं। अब जैसे ही आपका डो प्रिपेयर हो जाए और जब तक हम कुकीज प्रिपेयर करेंगे उसको शेप देंगे, आप अपने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। अब हम इसकी कुकीज को शेप करेंगे। मैं थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि बेक होने के बाद कुकीज थोड़ी सी साइज उसका बढ़ जाता है। आप इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं, इसको आप रोल करके अच्छे से और किसी कटर से कट भी कर सकते हैं। मैं तो इनको एकदम सिंपल सर्कल बना रही हूँ और छोटे छोटे शेप में, क्योंकि अभी ये बड़ी हो जाएंगे। और जब आप इसको प्लेस करेंगे अपनी बेकिंग ट्रे में तो आप जरूर ध्यान रखिए कि आप थोड़ा डिस्टेंस दे के उसको प्लेस करेंगे। इसमें अगर कुछ क्रैक्स आपको दिखते हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रैक्स नेचुरल हैं। डिजाइन के लिए मैं इसमें फोक से हल्का सा प्रेस कर दे रही हूँ। तो मैंने अपने कुकीज को अपनी बेकिंग ट्रे में लगा लिया है। मैंने यहाँ पे बटर पेपर को नीचे लगाया है। अगर आपके पास बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर नहीं है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बटर लगा लीजिए नीचे अपनी बेकिंग ट्रे में, और उसके बाद आप
उसमें कुकीज़ रख सकती हैं। यहाँ पे मीडियम साइज़ की 10 कुकीज़ बनी है, अभी थोड़ा और डो है मेरे पास, और आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है क्योंकि अभी ये स्प्रेड होंगी और थोड़ी सी बढ़ेंगी। मैंने ऑलरेडी अपने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको 180 डिग्री पे 12 से 15 मिनट तक बेक करूंगी कन्वेक्शन मोड में। मेरा कुकीज़ का फर्स्ट बैच रेडी हो चुका है और इनको मैंने एक वायर रैक पे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास वायर रैक नहीं है तो आप अपनी बेकिंग ट्रे पे ही उसको छोड़ सकते हैं या फिर किसी और प्लेट में ट्रांसफ़र करके जब तक कि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आए तब तक आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये दोनों तरफ से अच्छे से बेक हुई हैं। ये देखिए अभी थोड़ी सी गर्म है कुकीज़ और बैक साइड में भी अच्छा कलर आ गया है, फ्रंट में भी आ गया है, क्रंची भी है। अभी तोड़ूंगी नहीं क्योंकि गर्म है कुकीज़। और मैंने इसको 180 डिग्री पे पहले 15 मिनट्स तक बेक किया बट मुझे थोड़ा सा उसे और क्रंची करना था तो मैंने 2 मिनट और रखा, मतलब कि 180 डिग्री या फिर 350 फ़ारेनहाइट पे मैंने इसको 17 मिनट्स तक बेक किया है। आप अपने ओवन में 12 मिनट्स के बाद एक बार चेक कर लीजिए और फिर आपको जैसा भी कलर चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, आप उसके हिसाब से उसे 5 मिनट्स के आसपास और बेक कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी था जिंजर कुकीज़ को प्रिपेयर करना। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट जनरली घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओके एंड थैंक यू, बाय।